India's ONDC platform is said to be a game changer in the e-commerce space. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal recently urged e-commerce companies not to miss the bus on joining ONDC. Startup Street. Now, the government-backed open network for digital commerce has the potential to increase India's digital consumption by 5 times to around $340 billion by 2030, a report by ONDC and McKinsey said. Namaskar, dosto. 29 April 2022 ko Government of India launch karti hai, jisko naam diya aata hai Open Network for Digital Commerce, yani ki ONDC. Is system ko buyer aur seller dono hi freely use kar sakte hain, aur is system जो लॉन्च करने का रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी अपने खूब सारे पैसे से अपना मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट कर रही थी, वहीं पे जो छोटे बिजनेस थे उनको काफी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था, जिनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है ओएनडीसी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ रेगुलेशन यूपीआई ने क्रिएट किया है पेमेंट की दुनिया में, सेम वैसा ही रेगुलेशन ओएनडीसी क्रिएट करेगा ई कॉमर्स की दुनिया में। और इन सभी हाइप को साइड में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ओएनडीसी एक रेगुलेशन प्रोडक्ट साबित होता है और एक कैसे स्मॉल बिजनेस को बचाएगा और इसका आने वाले में फ्यूचर क्या होगा और इस इनिशिएटिव में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है जिसकी वजह से ओएनडीसी प्रोजेक्ट एक फ्लॉप प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ओएनडीसी को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया में क्या जरूरत थी ओएनडीसी को लॉन्च करने की, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनी है जिनके पास खूब सारा पैसा है और उन्होंने अपना खूब सारा पैसा अपने टेक में इन्वेस्ट किया है, तो क्या जरूरत थी इंडियन गवर्नमेंट को इस बिजनेस में आने की और इस बिजनेस को रेगुलेट करने की। इसका मेन रीजन है इन कंपनी द्वारा अपना मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट करना, और इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जिसकी वजह से मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट होता है। इंडिया में एक कंपनी दो बिजनेस मॉडल फॉलो करती है, पहला है मार्केट प्लेस मॉडल, दूसरा है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट मॉडल में बायर और सेलर दोनों ही फ्रीली काम करते हैं, वहाँ पे एक कंपनी एक तरह से प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है जहाँ पे बायर और सेलर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं उनके ऐप और वेबसाइट के थ्रू। और इन्वेंट्री मॉडल में ये कंपनी डायरेक्ट सेलर से चीप रेटों पे प्रोडक्ट परचेज कर लेती है और अपना मार्जिन और प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये अपनी वेबसाइट पे सेल करती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो कि एक बुक सेलर नाजोन पे अपना बुक सेल करता है और एक बुक का प्राइस है 250 रुपये और नाजोन पे वो 450 में सेल करता है और नाजोन अपना कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिला के रिवेन्यू जनरेट करती है 100 से 112 रुपए के बीच में। यहाँ पे आप सभी लोग देखोगे तो इनका जो रिवेन्यू है वो काफी कम है एक बुक के अगेंस्ट, लेकिन अगर यहीं पे नाजोन एक इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करता है तो उसका रिवेन्यू दुगना हो जाएगा। और इन्वेंट्री मॉडल में नाजोन डायरेक्ट सेलर से कॉन्टैक्ट करेगा और बल्क रेट पे बुक्स बाय कर लेगा सेलर से। मान लो कि वो 10,000 बुक्स बाय करता है 200 रुपये में अपनी बार्गेनिंग पावर का यूज करके और वो अपनी वेबसाइट पे 450 में सेल करता है, यहाँ पे जो उसका रिवेन्यू है वो 2x हो गया है, जिससे नाजोन काफी ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बुक की बात है जिसका कॉस्ट काफी कम है 250 रुपये। जरा सोचिए उन प्रोडक्ट के बारे में जिनकी वैल्यू 7,000 से लेकर 7 लाख तक है, जैसे कि टेलीविजन हो गया वो 7,000 से 70,000 तक भी मिलता है और 7 लाख तक भी मिलता है, तो उस केस में नाजोन कितना प्रॉफिट जनरेट करता होगा। इसलिए ज्यादातर ई कॉमर्स बिजनेस इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करती थी जिससे उनको ह्यूज प्रॉफिट होता था, लेकिन 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रेगुलेशन लागू करते इन सभी कंपनीज पे कि वो इन्वेंट्री मॉडल फॉलो ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको मार्केट मॉडल फॉलो करना पड़ेगा ताकि जो स्मॉल बिजनेस है वो सर्वाइव कर सके। इसलिए 2016 के बाद सभी ई कॉमर्स बिजनेस मार्केट मॉडल फॉलो करती है। सो अगर आप सभी लोगों में से कोई भी अमेजन और फ्लिपकार्ट सेलर है तो आप सेफ हैं और आप इजीली B2C कोई ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जो दूसरा रीजन है वो है डीप डिस्काउंटिंग का। आप लोगों ने देखा भी होगा जो चीज ऑफलाइन मिलती है वो ऑनलाइन काफी कम दामों पे मिल जाती है आप सभी लोगों को, क्योंकि वहाँ पे एक कंपनी काफी डीप डिस्काउंटिंग प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। जैसे कि कोई 1500 का बैग 900 रुपये मिल जाएगा, कोई 2200 की वॉच 500 रुपये मिल जाएगी, तो काफी ह्यूज डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की वैल्यू काफी कम हो जाती है और उस प्राइस को कम्पीट करना ऑफलाइन सेलर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और जो लास्ट रीजन है वो है इमिटेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट, यानी कि अदर प्रोडक्ट की नकल करना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास अपने कस्टमर का सारा डाटा है और उनको पता है कि किस प्रोडक्ट के किस कलर का ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो वो उस प्रोडक्ट की नकल कर लेते हैं और अपना ब्रांड बना के अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ONDC क्या है और ये कैसे वर्क करेगा। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से फेयर बिजनेस एस्टैब्लिश होगा ई कॉमर्स की दुनिया में। ONDC ना एक प्लेटफॉर्म है ना ऐप है, ये एक प्रोटोकॉल का सेट है जिससे सभी प्लेयर जैसे बायर सेलर लॉजिस्टिक प्रोवाइडर पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, और इसको यूज करने के लिए किसी भी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप सभी लोग UPI फोन पे गूगल पे पेटीएम भीम से UPI कर सकते हैं, उसी प्रकार से ONDC भी कर सकते हैं, और ONDC की वजह से इन सभी प्लेयर्स के बीच में एक सीमलेस ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। तो अगर अमेजन फ्लिपकार्ट ONDC से इंटीग्रेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो अगर कोई पर्सन अमेजन पे सर्च मारता है कॉफी मशीन तो उसको फ्लिपकार्ट का भी ऑप्शन आएगा, जिससे एक बायर को एक वाइड रेंज मिलेगा प्रोडक्ट का और उसके पास कम प्राइस का भी ऑप्शन होगा। और इनका जो मेन गोल है वो है ई कॉमर्स बिजनेस को ओपन एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, जिससे ई कॉमर्स इकोसिस्टम को ग्रोथ में काफी सपोर्ट मिलेगा। ONDC को पहले पायलट फेज में 5 सिटीज में लॉन्च किया गया था, अब उसको एक्सटेंड करके 100 सिटीज कर दिया गया है और आने वाले 5 साल में 900 मिलियन बायर्स और 1.2 मिलियन सेलर्स को ऑन बोर्ड करने का प्लान है इनका। और ONDC की वजह से अमेजन फ्लिपकार्ट और ऐसे जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस है जिन्होंने अपना मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट किया है, उनके मोनोपोली और डुओपोली पे इंपैक्ट पड़ेगा और कुछ हद तक कम भी होगा,
क्या पता खत्म भी हो जाए। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ वैल्यू मिली हो, और ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।